गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे चैनल PVR स्टडी पे। आ जाइए भाई, फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग। जो लोग जुड़े हैं सभी का स्वागत है। नमस्कार सभी को, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आ जाइए भाई, फटाफट जुड़ जाइए। ठंडक काफ़ी है यार, ठंडक का मौसम देखते हुए स्टूडियो में मैं किसी तरह आ गया भाई, ठंडक में कांपते हुए। और आप लोग तो रजाई में बैठ के मज़े ले रहे हो यूट्यूब चला के, ठीक है। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, साइटोलॉजी ना, साइटोलॉजी में पार्ट्स पढ़ रहे थे। आई थिंक बहुत सारे पार्ट्स को मैंने पढ़ाया आपको, तो मुझे याद होगा मैंने साथ सेल वाल पढ़ाया है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया है। यार देखो, हाथ हाथ तो इतना ठंड है ना कि बिल्कुल एकदम समझ लो एकदम बर्फ हो गया हाथ। हाँ, तो साइटोलॉजी में सेल मेम्ब्रेन और क्या क्या भाई हो गया था, न्यूक्लियस, DNA, RNA और कुछ जो भी नहीं होगा उसको आप लोग बताएंगे। तो आज हम पार्ट नंबर 44 में, आज हमारा एक पार्ट है 45 में, लाइजोजोम्स क्या कहते हैं हम इसको हिंदी मीडियम वाले, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम ये नाम होता है इसका, ठीक है। लाइसोसोम एक पार्ट्स होता है भाई, कोशिका के अंदर पाया जाता है, छोटा सा ही होता है बहुत ही। तो इसी को पढ़ना है, इसी के बारे में डिटेल पढ़ना है, क्या काम होता है, कैसा फंक्शंस करता है, कैसे वर्क करता है ना, तो इट्सेट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो जो लोग जुड़े हैं फटाफट क्या कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, ठीक है, शेयर कर दें भाई फटाफट और जुड़ जाएं सभी लोग, ठीक है। आ जाइए, सबका स्वागत है, वेलकम है सभी का, ठीक है, आ जाइए भाई फटाफट, ठीक। तो लाइसोसोम क्या होता है भाई, एक छोटा सा ऑर्गन्स होता है, ठीक है, और कहाँ पाया जाता है, आउट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है, और सेल्स में, यानी जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर ना। तो कहाँ पाओ लिखोगे भाई, इसकी लोकेशन लिखोगे, लोकेशन अगर बात आ जाती है, लोकेशन की बात आएगी तो कहाँ रहता है, इट्स कंसिस्ट इन द, इट्स कंसिस्ट इन आउट ऑफ न्यूक्लियस एंड इनर इन प्रोटोप्लाज्म। समझ में आया ये लाइन आपको, मैंने क्या लिखा भाई, ये कहाँ पाया जाता है, लोकेशन में, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, यह कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में स्थित है या पाया जाता है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, स्थित है पहली चीज, ठीक, इसकी लोकेशन हो गई। दूसरा चीज आता भाई, इसको डिस्कवरर कौन किया था ना, तो डिस्कवरर कौन कर रहा है इसको भाई, डिस्कवरर कौन करता है, तो डिस्कवरर भाई कवर्ड भाई, डिस्कवर्ड भाई कौन है डिस्कवरर करने वाला भाई इसका, एक हमारे यहाँ साइंटिस्ट है जिसको नाम दिया गया है डी डूबे, और हिंदी मीडियम वाले इसको लिखेंगे डी डू, ठीक, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने इसको देखा था पहली बार। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लाइसोसोम्स की खोज किसने की थी, तो आपके सामने बहुत सारे एग्जाम रहेंगे। साइटोलॉजी एक ऐसा पार्ट है दोस्तों जिसमें बहुत सारे आपको साइंटिस्टों के नाम लर्न करना है, मतलब जितने भी पार्ट्स इसके कोशिका के हैं सबको आपको ये बताना है कि किस साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था, या किस साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया था, या किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, एट्सेट्रा बहुत सारे। अभी कल की क्लास में हम लोगों ने माइटोकांड्रिया पढ़ा था, तो माइटोकांड्रिया में हमने क्या बताया भाई, ये कैसी होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। माइटोकांड्रिया हमारा कैसी होती है, डबल लेयर मेम्ब्रेन, ये मतलब इस टाइप की होती है, इसे डबल लेयर मेम्ब्रेन ऐसी होती है माइटोकांड्रिया, यानी बाहर वाली को हम क्या कहे थे, नाम दिया था सिस्टर्नी या क्रिस्टी, क्रिस्टी कहते हैं, और अंदर वाली को मैट्रिक्स, ठीक, ये नाम हमने बताया था। तो ये डबल लेयर होती, बट यहां क्या होती है, ये जस्ट इसका उल्टा होता है, कैसा होता है, ये सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होती है, कैसी होती है, क्या लिखोगे आप, इट इज सिंगल लेयर मेम्ब्रेन, मतलब इस पे कोई डबल लेयर मेम्ब्रेन नहीं होता, यह क्या होती है, सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होती, यह कैसी होती भाई, यह भाई एक झिल्ली या बोल दो भाई,
झिल्ली कवर, इस पे एक झिल्ली कवर होती है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, इस पे इसमें एक झिल्ली कवर होती है, ठीक है, ये सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होती है इसमें। हिंदी वाले आप लोग अपना भाई सही कर लीजिएगा सेंटेंस, मैं इट इज ए सिंगल लेयर मेम्ब्रेन, यह सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होती है, पहली चीज होती है। अब आते हैं पॉइंट्स में इसके कि कितने नामों से इसको जाना जाता है ना, बहुत सारी कन्फ्यूजन यहाँ होती है, तो बहुत सारे नाम्स होते हैं इसके जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इट्स अनदर नाम, अनदर नाम में अगर आप देखेंगे अनदर नेम, एन अदर नेम, एन अदर नेम मतलब दूसरे नाम कौन कौन से होते हैं, चलिए हम वन बाई वन करके देखते हैं। बहुत सारे नाम इसको दिए गए हैं, पहला नाम है इसका सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग का मतलब क्या होता भाई, एस ओ सी आई डी ए एल है यहाँ, सुसाइडल बैग यानी क्या कहते हैं इसको, आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली या बैग जिसको कहते हैं ना, थैली, ठीक। पहला नाम यह हुआ आत्मघाती थैली। दूसरा नाम आप लिखोगे इसका स्कैवेंजर होता है, स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स का मतलब स्कैवेंजर बैग, हिंदी मीडियम वाले इसको क्या लिखेंगे, सफाई कर्मी, क्या होती है ये, सफाई कर्मी, सफाई कर्मी, स्कैवेंजर बैग, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, सफाई कर्मी होती है। थर्ड में आप क्या लिखेंगे इसको, तीसरा नाम और क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, डिस्पोजल, क्या नाम देते हैं, डिस्पोजल बैग, डिस्पोजल बैग, ठीक है। तो इतने सारे नाम्स इसके होते हैं, ठीक है, पहली चीज तो आप यह जान लीजिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए लाइसोसोम्स के दूसरा नाम क्या होता है, निम्न में से लाइसोसोम्स का, तो क्या होता है, सुसाइडल बैग्स के नाम से आना, आत्मघाती थैली, स्कैवेंजर्स बैग किसे कहते हैं, कोशिका का कौन सा अंग होता है जिसको हम लोग स्कैवेंजर्स बैग कहते हैं, स्कैवेंजर्स का मतलब क्या होता है भाई, सफाई करने वाला, किसको सफाई करने वाले, जो क्या होते हैं भाई, हमारे डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो डेड ऑर्गेनिज्म हमारे सेल्स में होते हैं उनको साफ कौन करता है, तो हमारी लाइसोसोम्स करती है, पहली बात ये जान लीजिए। आत्मघाती क्यों कहते हैं, जो अपने आप को स्वयं मार ले, जो अपने आप को ही मार ले वो क्या कहलाती है, आत्मघाती कहलाती है। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है, ऐसे मतलब डिस्पोजल का मतलब होता है डस्टबिन, क्या होता है, डस्टबिन, ठीक है, डस्टबिन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिसमें क्या होते हैं, जो हमारी क्या होती है, अनवांटेड चीज़ें होती हैं जिसको हम नहीं पसंद करते हैं ना, उसको हम उसमें फिलअप कर देते हैं, रख देते हैं, वो चीज़ें यहाँ रखी जाती है, डिस्पोजल बैग। तो इन सारे नाम होते हैं, इतने सारे नाम होते हैं हमारे लाइसोसोम्स के, ठीक। तो लाइसोसोम्स में जनरली अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा इसका जो है डिस्कवरर करता, या फिर अनदर नेम, इसका नाम क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं भाई कि लाइसोसोम्स का एक मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरा लाइसोसोम्स बना दिया मैंने भाई, ठीक है, ये सिंगल लेयर हो गया, क्या हो गया, लाइसोसोम हो गया, ठीक है, ये सिंगल लेयर की लाइसोसोम्स हो गई। इसके अंदर जो होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, कौन से एंजाइम होते हैं भाई दोस्तों, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, और जिनका पीएच कितना होता है, पीएच कितना होता है इनका, 4.2 होता है, यानी ये कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, 7 से नीचे होंगे तो एसिडिक होंगे, 7 पे होंगे तो न्यूट्रल होंगे, और 7 के प्लस होंगे तो कैसा होंगे, बेसिक होंगे यानी क्षारीय होंगे। तो डेफिनेटली आप जान लीजिए ये कैसे होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, और क्या होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं भाई, जिसका मेन काम क्या होता है, कोई अनवांटेड चीज़ अगर हमारे सेल्स में इंटर कर रही है, कोई अनवांटेड चीज़ जिसको मतलब हमारी सेल नहीं पसंद कर रही है, यानी कुछ बैक्टीरिया और हार्मफुल इंटर कर रही है, तो ये जो एंजाइम्स होते हैं उसको वो क्या कर देते हैं, मर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, मतलब किल्डअप कर देते हैं, किल्डअप कर देते हैं, कौन कर देता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है इंडिया में, पूछा गया था हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स
सेल्स के किस कंपोनेंट में मिलते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए लाइसोजोम में। कहाँ मिलते हैं? लाइसोजोम में। कैसे एंजाइम मिलते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिलते हैं। व्हाट इज द वर्क ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम? क्या काम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम का? तो आप याद रखिएगा, व्हाट इज द वर्क ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम? इट्स किल्ड ऑफ द अनवांटेड थिंग्स या सबस्टेंट, जो भी अनवांटेड चीजें आती है हमारी सेल में उसे यह मार देता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, दूसरी चीज, यदि हमारी सेल्स का कोई भी पार्ट डेड हो गया, मर गया, यानी कौन मर रहा भी, यानी माइटोकांड्रिया, राइबोसोम्स, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, न्यूक्लियस, आरएनए, डीएनए, एटसेट्रा एटसेट्रा, कोई भी पार्ट्स अगर डेड हो रहा है, मर हो जा रहा है, तो उसको कौन खाता है? तो कौन खाता है? लाइसोजोम। तो यहां पर आप लिखेंगे, इसके लिए एक पॉइंट लिखेंगे, इट्स सेक्स सक ऑल डेड ऑर्गन इन आवर सेल। यानी कि मैंने हिंदी में इसको लिख दूं भाई, यह है हमारे शरीर के सभी मृत अंगों को खा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह हमारे शरीर, यह हमारे सेल्स के, सेल होगा यार कोशिका के, सॉरी कोशिका के सभी मृत अंगों को खा जाता है। मतलब जो सेल्स के मृत डेड कंपोनेंट्स होंगे उसको कौन खा जाता है? लाइसोजोम कहते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स कहते हैं। सोसाइडल क्यों कहते हैं भाई? सोसाइडल का मतलब डिस्पोजल क्यों कहते हैं? जो भी अनवांटेड चीज़ें हो जाती हैं वो इसमें फिक्स होती हैं, इसीलिए इसको डिस्पोजल नाम दिया गया। अब सोसाइडल क्यों कहते हैं? इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, इतने खतरनाक एंजाइम होते हैं, इनके एसिडिक नेचर के होते हैं, ये कभी कभी क्या होता है, बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, और एक कंडीशन ऐसी आती है, एक सिचुएशन ऐसी आती है, एक ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर क्या होती है, ये जो वाल होती है इसकी, ये वाल रैप्चर कर जाती है, यानी फट जाती है। फट जाने के बाद क्या होती है, ये हमारी जो, यानी हमारा जो लाइसोजोम है स्वतः ही डेड हो जाएगा, यानी मर जाएगा। क्या बताया मैंने भाई, जब हमारे लाइसोजोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की नंबर्स जो है इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी, तो क्या करेगी, इसकी जो वाल होती है, जो कि सिंगल लेयर होती है, वो क्या होती है, फट जाएगी, यानी रैप्चर कर जाएगी, और इसकी वजह से क्या होता है, लाइसोजोम हमारा जो है वो डेड हो जाता है, यानी मर जाता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सोसाइडल बैग कहते हैं, आत्मघात की थैली या आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। कितने पॉइंट्स मैंने बता दिए भाई? मैंने सोसाइडल बैग के बारे में क्या बताया, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, उनकी नंबर्स बढ़ेगी तो वो मर जाएगा। क्लियर? स्कैवेंजर्स क्यों कहते हैं? जो हमारी कोशिका में अदर्स ऑर्गन होते हैं, अगर वो मर जाते हैं तो उनको कौन सक कर लेता है? सक करने का मतलब खा जाता है। कौन खा जाता है? यही लाइसोजोम खा जाता है। तो इसको लिए हम लोग क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स कहते हैं। ये मेंटेन करता है सेल्स को, रेगुलेट रखता है। ठीक है, बहुत सारे वर्क होते हैं इसके। डिस्पोजल क्यों कहते हैं? जो अनवांटेड बैक्टीरिया और वायरस एंड कुछ भी आ जाते हैं, जर्म्स एंड बैक्टीरिया आते हैं, वो कहाँ जाते हैं? हमारे लाइसोजोम में जाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं। अगला पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसका मेन वर्क क्या होता है, यह क्या करता है भाई, इंटरसेलुलर डाइजेशन का काम करता है। इंटरसेलुलर डाइजेशन मतलब इट्स वर्क ऑफ द इंटरसेलुलर डाइजेशन। यह क्या करता है भाई, माइटोकांड्रिया के बारे में क्या बताया था हमने, वहां क्या होता है भाई, वहां इंटरसेलुलर रिस्पायरेशन होता है, यहां इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कहीं कहीं, बहुत बार पूछा गया कि कौन सा कंपोनेंट्स है, यानी हमारी सेल्स का कौन सा कंपोनेंट्स है जो इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है। तो कौन सा करता है भाई, हमारा लाइसोजोम करता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? तो चलिए इसी बात पे वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, और जिन भी मित्रों को आपको जोड़ना है फटाफट अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए फटाफट भाई, सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। जो भी पहली बार मित्र हमसे जुड़े हुए हैं, इसी तरह की क्लास पाने के लिए, इसी तरह की वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम अपने पॉइंट पे आते हैं। क्या बताया मैंने भाई, इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, किसके अंदर होता है, हमारा लाइसोजोम के अंदर होता है। ठीक, क्या बताया मैंने, लाइसोजोम के अंदर क्या होता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है। अब तो रट हो गया होगा ये पॉइंट ना, रट गया ना।
चलिए ठीक है, अब इसमें से छूटा क्या आपको, मैंने क्या बता दिया भाई, इसके वर्क बता दिए, ठीक है, फंक्शंस बता दिए। अब आता भाई नंबर्स कितने होंगे, अगर हमारी एक सेल है, ठीक है, सेल्स होती हैं तो उसमें नंबर्स कितने होंगे, तो ऐसा कहा जाता है वन सेल में कितने होते हैं नंबर्स, अगर देखा जाए इनके नंबर्स में देखा जाए तो वन सेल में 10,000 पर सेल होता है, ठीक है, 10,000 पर सेल होता है। दूसरी बात होती है कि ये कहाँ पाए जाते हैं और कौन सी सेल में पाए जाते हैं या फिर कौन से सेल में नहीं पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। तो कहाँ किस सेल में पाए जाते हैं और किस सेल में नहीं पाए जाते हैं, ये पॉइंट आपको मैं बता दूँ। इसी बात पे आप क्या करेंगे भाई, फटाफट वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर देंगे, फिर मैं बताता हूँ कि कहाँ नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। लाइसोजीम कहाँ नहीं होते हैं, आप लिखेंगे कहाँ नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं या कौन से सेल में नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि कहाँ किस सेल में नहीं पाए जाते हैं। तो नंबर आप पहले नंबर पे आप लिखेंगे, पहले नंबर पे क्या लिखेंगे, ऑल प्लांट सेल, ऑल प्लांट सेल, ऑल प्लांट सेल यानी सभी पादप कोशिकाओं में, सभी पादप कोशिकाओं में नहीं होते हैं। क्या लिखा मैंने भाई, सभी पादप कोशिकाओं में यह नहीं पाए जाते हैं, क्या नहीं पाए जाते हैं, लाइसोसोम, ठीक। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, अब आती ह्यूमंस वाली बात, ह्यूमंस में किस में पाए जाते हैं और किस में नहीं पाए जाते हैं, इसके बाद आप लिखेंगे जो हमारी ब्लड होती है, ब्लड में हमने क्या बताया था, आप याद करिए पिछली क्लास में हमने ब्लड में क्या बताया था आपको, 3 टाइप्स की सेल होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो जिसमें से हमारा आरबीसी में इज आल्सो अब्सेंट इन लाइसोजोम, क्या बताया भाई मैंने, सभी हमारे जो है आरबीसीज में नहीं पाए जाते हैं, क्या, लाइसोजोम। अब आती है लाइसोजोम जो है कहाँ नहीं पाए जाते हैं, आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं, ठीक, क्या बताया मैंने, आरबीसी कोशिकाओं में लाइसोजोम्स नहीं पाए जाते, ये क्वेश्चन स्टार लगा के आप लिखेंगे कि जो ब्लड की लाल रुधिर कणिकाएं होती उसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, लाल रुधिर कणिकाओं में याद रखिएगा मैंने क्या क्या बताया है, क्या क्या नहीं पाए जाते हैं, तो पहले हमने बताया था न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, और दूसरा क्या आ गया भाई हमारा, लाइसोजोम्स अब्सेंट, इस पॉइंट को आप लिखेंगे क्या क्या अब्सेंट होता है, न्यूक्लियस और लाइसोजोम दो आर द अब्सेंट इन द आवर आरबीसी, यानी जो हमारी आरबीसी होती है उसमें ना न्यूक्लियस होता है ना ही लाइसोजोम होता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, एमपीपीसीएस और जो एमपीपीसीएस और छत्तीसगढ़ पीसीएस वाले हैं इसको आप लोग लिखेंगे जरूर, क्योंकि आपके जीएस का क्वेश्चन ये यहां से बनेगा, ठीक है, लिख लेंगे भाई। आइए, ये तो बात हो गई भाई, सर ने बता दिया कि कौन सी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, अब सर ये बताएंगे कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, चलिए उसको भी बता देता हूं मैं, यार ये बोर्ड पे थोड़ा स्पेस मुझे लगता कम है ना, क्या क्या करें दोस्तों, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये मैनेजमेंट की कमी है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैनेजमेंट जल्दी से जल्दी इस पे ध्यान देगा ताकि मुझे ये बार बार मिटाना ना पड़े। क्या हमने बताया भाई, अब पाया किस में जाता है, ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, ये पॉइंट लिखेंगे कहाँ पाई जाती है, हिंदी मीडियम वाले आपके लिए लिख रहा हूँ भाई, कहाँ पाई जाती है, ठीक है, कौन से सेल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो आप पहले नंबर पे डालेंगे जो हमारी डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी में, दूसरे नंबर पे कुफर सेल, अब ये कुफर सेल क्या आ गया भाई, नया चीज, तो याद रखिएगा कुफर सेल क्या होती है भाई, कहां पाई जाती है, आप यहां सिर्फ इतना जानिएगा लीवर में,
लीवर में पाई जाती है कुफर सेल। देन इसके बाद किडनी, देन इसके बाद पैंक्रियाज, देन इसके बाद हार्ट, मोस्टली लगभग सारे ऑर्गन्स में पाए जाते हैं ना। तो सबसे नंबर अब सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, WBC में। सॉरी, आपसे अगर ये पूछ लिया जाएगा कि लाइसोसोम की सबसे ज्यादा संख्या किस में पाई जाती है, तो WBC में पाई जाती है। याद करिए आप लोग, पिछली क्लास में जब हम WBC बताए थे तो WBC के बारे में हमने एक फीचर्स बताया था। WBC को हम क्या कहते हैं, सोल्जर सेल कहते हैं। सोल्जर सेल क्यों कहते हैं भाई, शक्ति वाली सेल, मतलब इम्यून सिस्टम को ये डेवलप करता है, यानी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ावा देता। क्यों बढ़ावा देता है, क्योंकि अगर इसमें कोई अनवांटेड चीज़ आ रही है, मतलब जिसको हमारी सेल्स जो है डिसलाइक कर रही, वो चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें क्या होता है, लाइसोसोम होता है, जो लाइसोसोम क्या करता है, उसको सक कर ले जाता है, यानी उसको किल्डअप कर देता है। क्यों किल्डअप कर देता, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनका नेचर होता है कि जो भी वेस्ट चीज़ें आ रही हैं उनको वो मार देंगे। इसीलिए WBC को हमने क्या बताया था भाई, सोल्जर्स कहा था, सोल्जर्स आवर बॉडीज। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको, तब इसी बात पे आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो नए लोग जुड़े हुए हैं हमसे, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी तरह वीडियो पाने के लिए और इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए। ठीक, क्लियर हुआ आपको। चलिए एक बार मैं फटाफट रिवाइंड करूंगा, मात्र 2 मिनट आपको लूंगा, 1 मिनट से भी कम कोशिश करूंगा, 2 मिनट से भी कम। हम क्या पढ़ रहे थे, लाइसोसोम। लाइसोसोम्स की सिंगल क्या होता है भाई, ये हमारा सिंगल लेयर एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स होता है जो हमारे सेल्स के अंदर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, न्यूक्लियस के बाहर और सेल्स के अंदर, यानी कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। क्लियर हुआ, ठीक है। दूसरा चीज़ हमने क्या बताया था भाई, प्रोटोप्लाज्म में स्थित होता है। इसके डिस्कवरर कौन थे, डी डूबे जी थे। डी डूबे देखो कैसे लिखा गया भाई, इंग्लिश में इस तरह लिखा गया, हिंदी में डी डूब लिखा गया, याद रखिएगा। सिंगल लेयर होता है, ठीक है, ये हो गया। अनदर नाम में अगर पूछ लेगा कौन कौन से नाम इसके होते हैं, तो इसको सोसाइडल बैग कहते हैं, हो गया। इसको स्क्रैंजवर बैग कहते हैं, ये भी क्लियर हुआ। कैसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर चुका हूँ। इसको डिस्पोजल बैग के नाम से भी जानते हैं। तो कितने नाम होते हैं इसके, लाइसोसोम के अलावा 3 नाम होते हैं। क्या क्या होता है, सोसाइडल होता है, स्कैंजर होता है, डिस्पोजल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है भाई, इसे हम क्या करते हैं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन कहता है। यस, इंटर सेलुलर डाइजेशन करता है। कौन सा सेल का कौन सा कंपोनेंट जो इंटर सेलुलर डाइजेशन करता है, तो लाइसोसोम करता है। माइटोकांड्रिया क्या करता है, इंटर सेलुलर रेस्पायरेशन करता है। क्लियर हुआ, ठीक है। इसमें किस कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, कौन सी कौन, सभी प्लांट कोशिकाओं में यह नहीं पाया जाता। क्लियर हुआ। RBC में बिल्कुल ही एब्सेंट होता है। क्या क्या एब्सेंट होता है RBC में, न्यूक्लियस और लाइसोसोम दोनों एब्सेंट होते हैं। दो आर द एब्सेंट इन आवर RBC। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, WBC में पाया जाता है। देन कुफर सेल जो कि लीवर में होती है, देन किडनी, देन पैंक्रियाज, इन ऑल ऑफ द ऑर्गन्स। क्लियर। तो ये हमारा लाइसोसोम कंप्लीट हुआ मेरी तरफ से, ठीक है, आपकी तरफ से होना चाहिए मुझे उम्मीद है, और मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ। जिन लोगों को थोड़ा लगा होगा कि ये वीडियो फास्ट चला है, वो क्या करेंगे भाई, अपनी सेटिंग से सेट कर लेंगे और स्लोली स्लोली करके सारी चीज़ों को लिखते हुए चले जाएंगे। लिखने का तरीका है, आप कैसे बताएंगे भाई, कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे लाइसोसोम जो है एक सिंगल लेयर ऑर्गन होता है या कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, अंग होता है। कहाँ पाया जाता है, हमारे सेल के अंदर पाया जाता है, यानी कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इस तरह आप लिखेंगे, इसके खोजकर्ता डी डूबे जी थे, जो यही पूछा जाता है आपको, संत कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसको और नाम से जाना जाता है, आत्मघाता की थैली कहते हैं इसको, सफाई कर्मी कहते हैं इसको, डस्टबिन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको फिर नए टॉपिक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।